तीन कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किसानों का चरम पर था। और उसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे जो है वो किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और उसके बाद किसानों का प्रदर्शन उग्र हो जाता है और उस दौरान कई किसान घायल हो जाते हैं और कुछ जो है वो मर जाते हैं। और ऐसे में अभी हमारे सामने आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हर साल तीन अक्टूबर को ये लोग श्रद्धांजलि सभा करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये आज गोरखपुर में श्रद्धांजलि सभा करने वाले थे तो प्रशासन ने इन्हें क्यों रोका और क्या वाकई सरकार इन लोगों के लिए मतलब किसानों के लिए क्या बेहतरीन काम नहीं कर रही है और हरियाणा में किस तरीके से चुनाव चल रहा है उस पर भारतीय किसान यूनियन का क्या रुख है, ये तमाम चीजें हैं जो इनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? राम किशोर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन समाज उत्तर प्रदेश। प्रशासन आपको रोक दिया श्रद्धांजलि सभा करने से? जी नहीं, श्रद्धांजलि सभा करने के उपरांत हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन, हमें सांकेतिक रूप से ट्रेन भी रोकना है आज पूरे प्रदेश और देश में। हमें प्रशासन ये कह कर के रोक दिया कि हम आपको नगर निगम पार्क से बाहर रोड पे नहीं जाने दे सकते क्योंकि जनपद के अंदर चार्चर कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम 2:30 बजे है, इसलिए मैं आपको सड़क से रेलवे स्टेशन नहीं जाने दे सकते, इसलिए मैं यहीं पे आप लोग अपना कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए और इससे आगे अगर आप कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के विरुद्ध तमाम कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे। अजय मिश्र टेनी को लेकर बहुत सारी बातें उस समय चल रही थी, उसके बाद वो रिहा हुए, चुनाव भी उसके बाद लड़े, इस बार के चुनाव में कुछ कहेंगे इस सारे विषयों पर? देखिए, चुनाव आता है चुनाव जाता है और उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव को आप परिणाम देख लीजिए कि जो किसानों के साथ इन लोगों ने बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया था, चाहे वो देश का गृह मंत्री हो चाहे भारत सरकार के प्रधानमंत्री हो, उन्होंने कहा था 400 पार, लेकिन आपने देखा होगा कि ये 300 पार नहीं हो पाए और कैसी सरकार बनी है ये मीडिया के साथ ही भली बात जान रहे हैं। अगर गलबहियां डाल करके अगर ये सरकार नहीं बनाए होते तो आज सत्ता से बाहर होते और अगर ये हालात इसी तरह से किसानों के साथ अगर इस तरह से बर्बरता पूर्वक दोषपूर्ण रवैया ये अपनाए तो आने वाले समय में ये जमींदोज हो जाएंगे। एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों की जो मांग थी वो पूरी होनी चाहिए या नहीं? गेहूं पे एमएसपी मिलनी चाहिए, धान पे एमएसपी मिलनी चाहिए, गन्ने पे एमएसपी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सभी जितने जींस किसान उत्पादित करता है मैं सभी पर कहता हूँ कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। जब इनके पेंशन की गारंटी है, इनकी सुरक्षा की गारंटी है, तो किसान जो उत्पादित माल उत्पादन करता है, चाहे वो धान करता है, मक्का करता है, गेहूं करता है, गन्ना करता है, ज्वार करता है, कपास करता है, सभी उत्पादित मालों का जो है एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। जब तक किसानों के उत्पादित माल की सरकार गारंटी नहीं लेगी निश्चित रूप से ये बिचौलिया किसानों को ठगते रहेंगे और सड़क पर ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। किसान खुश है योगी सरकार में, मोदी सरकार में? कतई ही नहीं खुश हैं, बहुत असंतुष्ट हैं। क्या असंतुष्टि है? किसान बिल्कुल, किसान मारे जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है। इन किसान का हैसियत ये है सिर्फ भोजन कर सकते हैं, शुद्ध भोजन वो भी नहीं कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, शादी ब्याह करने में दिक्कत आ रही, खेत बेचना पड़ रहा है। अच्छा, सरसों का तेल, जब सरसों का तेल जो है महंगा होता है तो सरसों महंगा नहीं होता? बिल्कुल नहीं महंगा होता है, बिचौलिया वो कर लेते हैं खाली, तेल महंगा होता है, सरसों बिचौलिया ले लेते हैं, एमएसपी पर गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है, इस वजह से सरकार को पैसा वही मिलता है, कम रेट मिलता है, अब बिचौलिया तेल के रेट बढ़ा लेते हैं, सरकार को कोई रोक नहीं है। यहाँ तक कि एमआरपी के पेपर में आप भी पढ़े होंगे, एमआरपी की हालत ये हो गई है, सभी लोग स्वतंत्र हो गए हैं अपने जींस पर एमआरपी जो चाहे सो लिखे, कोई प्रतिबंध उस पर नहीं है। दवाओं पर अभी निकला था पेपर में, दवाओं पर जो एमआरपी लिखी जा रही है जैसे कोई नियंत्रण नहीं है, 5 रुपए की दवा 50 रुपया लिखा जा रहा है उस पर, अब उस पर छूट चाहे 20% दे चाहे 10% दे, क्या मतलब है उसका? क्या इसका बीच का निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, जब तक सरकार किसानों के सामंजस्य में नहीं काम करेगी और किसानों के हित में काम नहीं करेगी तब तक इस देश की सरकारों को किसान हमेशा उखाड़ के फेंकने का काम किया है और पुनः आने वाले चुनाव में देखिएगा कि ये सरकार धरातल पर चली जाएगी, इसका काम, इसका जमीजोल हो जाएगा और ये सरकार बाहर हो जाएगी सत्ता से, क्योंकि इसी प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब ये सांसद हुआ करते थे तो सरदार नगर चीनी मिल पर ये धरना प्रदर्शन करते थे किसानों के गन्ना मूल्य
का भुगतान बकाया के लिए, और जब से ये माननीय मुख्यमंत्री बन गए और आज भी उन किसानों का मूल्य बकाया हुआ पैसा नहीं वापस करा पाए, और जब किसान उसके लिए आंदोलन करता है तो अपने सत्ता के बल पर और प्रशासन के बल पर जो किसानों को जो है रोकने का कार्य करते हैं। या ऐसी सरकार, जब आप सत्ता में रहते हैं तब आप उस चीज़ को रोकते हैं, और जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो आप किसानों के साथ बैठक करते हैं। इस तरह के दोगलेपन की नीति अपनाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी का नतीजा रहा, जहां 5 लाख से चुनाव जीतते थे इसी गोरखपुर जनपद में, कई सीटों पर 3-3, 3.5-3 लाख वोटों का अंतराल चलता था, और आज की डेट में कहीं 78,000, कहीं 25,000, कहीं 75,000 का अंतराल है। और अगली चुनाव में देखिएगा, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा, और यही किसान संगठन उनको मिटाएगा और यहाँ से दूर भगाने का कार्य करेगा। हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव है, और ये बिल्कुल झुठाया नहीं जा सकता कि एक बड़े पैमाने पर जो किसान हैं जो धरना दे रहे थे MSP की गारंटी को लेकर और जो 3 कृषि कानून को लेकर, वो इस बार के हरियाणा चुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर निभाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 90 सीटों का विधानसभा चुनाव हरियाणा का किस ओर जाता दिख रहा है, क्योंकि कल जो आज जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। जी देखिए, चुनाव इनके पक्ष में वहाँ नहीं है, हरियाणा में चुनाव इनके पक्ष में नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा खेती का मामले में खेती काम करने वाला हरियाणा एक नंबर पर काम करता है, और सारे किसान एक होकर के संगठित होकर के वो जहां भी वोट करेंगे एक जगह करेंगे, और जो नतीजा आ रहा, जो हम लोग देख रहे हैं नतीजा, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हार रही है, कांग्रेस के पक्ष में है। अब ये तो पूरा मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये है कि वहाँ कांग्रेस चुनाव जीत सकती है और कंडीशन अच्छी है, लेकिन भाजपा को तो मैं कह रहा हूँ भाजपा वहाँ चुनाव नहीं जीत पाएगी, किसी भी कंडीशन पर वहाँ चुनाव नहीं जीत पाएगी। जन समस्याओं और किसानों का मुद्दा उठाते उठाते आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ जो है किसान यूनियन का झुकाव थोड़ा सा ज्यादा दिखता है? जी बिल्कुल दिख रहा है, कम से कम किसान यूनियन या किसान, जब भी कोई आवाज होती थी किसानों की आवाज उठाने के लिए, इस तरह का प्रशासनिक हमारे ऊपर दबाव नहीं रहता था। हम अपनी सरकार को बताने के लिए तरह तरह के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन दे करके सरकार को बताने का कार्य करते थे, लेकिन इस सरकार में हमारी आवाज को दबाने के लिए जो ये षड्यंत्र किया जा रहा है, प्रशासनिक अफसरों से दबाव बना करके, फोर्स से दबाव बना करके हमें अपना धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है, हमको अपनी आवाज सरकार तक बताने के लिए रोका जाता है, ये कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है एक तरह से हमारा शोषण कर रही है। इसलिए सरकार इस बार रहनी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बार जाके रहेगी। ठीक है, तो ये किसान यूनियन के कार्यकर्ता थे और ये प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ थे। इनसे ये समझना लाजिम हुआ कि जिस तरीके से 3 अक्टूबर 2021 को किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई या फिर जो चीज़ें हुई उसको लेकर जो श्रद्धांजलि सभा हुई उसके बाद जो ये ट्रेन रोकने की प्रक्रिया थी उसको प्रशासन ने क्यों रोका, और आगे हरियाणा चुनाव पर भी बातचीत हुई। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ, मैं था आपके साथ विकेश। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।